आज शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण रहेगा, ये संपूर्ण भारत में नजर आएगा। सूतक ग्रहण 9 घंटे पहले शाम 4 बजे से लग गया है। ऐसे में मंदिरों के कपाट बंद हो गए हैं। ग्रहण के मोक्ष के उपरांत अब पूजा की जाएगी। पंडितों के अनुसार चंद्र ग्रहण आज मध्य रात्रि 1:05 से लेकर 2:20 तक रहेगा। ग्रहण का सूतक शाम 4 बजे से लग गया है। मंदिरों के द्वार ग्रहण के मोक्ष के बाद खुलेंगे और अभिषेक पूजा होगी। श्री राम जन्मभूमि में विराजमान रामलला के मुख्य अर्चक आचार्य सतेंद्र दास ने बताया कि चंद्र ग्रहण का सूतक 4:30 से लग गया है। इसके कारण दूसरी पाली में अपराह्न 2 मंदिर का पट खोला जाएगा। उसके बाद 3:30 से आरती, पूजा और भोग लगाकर मंदिर पट बंद कर दिए जाएंगे। फिर से रविवार को सुबह निर्धारित समय अवधि में दर्शन नियमित रूप से शुरू होगा। पूर्णिमा में 16 कलाओं से युक्त पूर्ण चंद्रमा का दर्शन कर उत्सव मनाया जाता है। इस दिन चंद्र किरणों से अमृत की वर्षा होती है, लेकिन चंद्रमा ग्रसित है तो फिर इस बार उत्सव उचित नहीं है। 1:04 पर स्पर्श हो जाएगा, ग्रहण लग जाएगा। इसके बाद में 1:44 पर ग्रहण का मोक्ष हो जाएगा। इसके बाद मुक्ति हो जाएगी। रात में ही ये सब कार्य होना है और इसका प्रभाव जो है कुछ राशियों पर अनुकूल है, कुछ राशियों पर प्रतिकूल है। इसलिए वायुमंडल में कहीं कहीं ऐसी परिस्थिति आएगी जो तूफान आदि का भी प्रावधान है और कहीं कहीं भूकंप आने की भी संभावना है। इसलिए आज का जो ये चंद्र ग्रहण है, खंड चंद्र ग्रहण, वो इसी प्रकार की फल देने वाला है, इसी प्रकार का वो हानिकारक भी है। चंद्र ग्रहण में सूतक काल का विशेष महत्व होता है, जो शाम 4:05 से शुरू हो चुका है। सूतक काल में शुभ कार्य नहीं किए जाते। सूतक काल में विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। चंद्र ग्रहण के दौरान किसी भी देवी देवता की मूर्ति को स्पर्श नहीं करना चाहिए। इस दौरान मंदिर को किसी स्वच्छ कपड़े से घर में भी ढक कर रखें। यानी राहु के कारण जो गुरु चंडाल योग था वो खत्म होने वाला है, उस समय यह लग रहा है। 30 साल के बाद शरद पूर्णिमा को पर यह ग्रहण लग रहा है। राशियों पर इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा, केवल ग्रहण का ही नहीं। ग्रहण तो राहु केतु कारण लगता ही है, राहु और केतु अपनी राशि भी छोड़ रहे हैं ठीक सवेरे अगले दिन। यानी वो अभी तक मेष और तुला में थे, अब वो कन्या और मीन में चले जाएंगे। इसलिए ज्योतिषियों के लिए बड़ी गणनाएं करनी पड़ रही हैं। और ये ऐसा ग्रहण है जिसमें बृहस्पति भी उसके चपेट में है और ज़्यादा नुकसान ये करेगा मेष राशि, वृष राशि, सिंह राशि और मकर राशि।